कॉन्स्टेंस जर्मनी से नदीम अजीम का आदाब। आप ये जो मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये यहाँ का मशहूर इम्पीरिया का स्टैचू है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये रिवॉल्विंग है और ये घूमता रहता है। ये जो आप स्टैचू के अतराफ में रंग बिरंगे ताले देख रहे हैं, ये हनीमून के लिए दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट यहाँ पर ताले लगाते हैं और इसकी चाबी झील के अंदर फेंक देते हैं और विश करते हैं कि इनकी ये मोहब्बत और शादी हमेशा बरकरार रहे। कंक्रीट का बना हुआ ये ऑसम स्टैचू 9 मीटर बुलंद है और इसका वेट 18 टन है। ये स्टैचू कॉन्स्टेंस की कोइन इम्पेरिया कोग्निटी का है, जिसके एक हाथ में पोप मार्टिन और दूसरे हाथ में इम्पेरर सेगेस्नी मंड हैं और दोनों ही कपड़ों से आज़ाद और नंग धड़ंग हैं। 14th सेंचुरी में यहाँ पर भी थ्योरी क्रेसी यानी मलयत थी, हाकिम में वक्त खुदा का नायब हुआ करता था। और फिर साइंस की तरक्की ने पब्लिक के दिमाग के बंद ताले खोले और अब जर्मनी में भी चर्च वीरान है और संडे को सिर्फ चंद घंटे के लिए चर्च खुलते हैं और बाकी मशहूर चर्च अब म्यूजियम्स में तब्दील हो चुके हैं। ये कॉन्स्टेंस जर्मनी का ट्रेन स्टेशन है। इस वक्त मैं जर्मनी के मशहूर शॉपिंग सेंटर लोगों में बैठा हुआ हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत और देखने के काबिल है। ये जर्मनी का मशहूर लोगों सेंटर है और इसके कोने कोने से आर्ट झलकता है। ये जो लेक देख रहे हैं, खूबसूरत लेक, ये जर्मनी के शहर कॉन्स्टेंस में वाक़ है। इस ब्यूटीफुल लेक को बोडेंसी लेक भी कहा जाता है। इसके बॉर्डर 3 कंट्रीज को टच करते हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया। कॉन्स्टेंस की वजह शौरत इम्पीरिया का रोटेट घूमता हुआ स्टैचू है और कॉन्स्टेंस लेक भी है। कॉन्स्टेंस लेक जर्मनी की सबसे बड़ी लेक है। हिटलर का नाम लें तो इसकी फासिस्ट नियाजी पार्टी और जर्मनी का नाम सामने आता है, जबकि वहाँ पर साबिक चांसलर एंजेला मार्कर और आलमी टेनिस चैंपियन स्टेफी ग्राफ वगैरह भी जर्मनी की पहचान है। जर्मन एक बेहतरीन तालीम याफ्ता और महज़ब कौम है।